हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। जिला मुख्यालय की दूरी अधिक रहने के कारण आम जनों को काफी कठिनाई होती है। महुआ अनुमंडल में प्रशासनिक, आर्थिक, भौतिक एवं सांस्कृतिक विधि व्यवस्था लचर होने की स्थिति में इसे जिला का दर्जा देना आवश्यक है। अत्यंत महुआ अनुमंडल को स्वतंत्र जिला का दर्जा देने की मांग करता हूं। भूदेव चौधरी, श्री मुकेश कुमार रोशन, उत्तर से उत्तर ऑनलाइन है, आप पूरा पूछें। महोदय, बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था कि लॉकडाउन के समय किसी को भी रोजगार से मुक्त नहीं किया जाएगा। इस दरमियान जो है 600 चालकों को लगभग अग्निशमन विभाग का जो मामला है वो लोगों को हटा दिया गया। सरकार का जो पत्र है अपर मुख्य सचिव के द्वारा निकाला गया था, पत्रांक संख्या 2746 28 अप्रैल 2020 को, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, सरकार का निर्देश है, लॉकडाउन के कारण श्रमिकों को कार्य से हटाने अथवा उन्हें उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं होने से श्रमिकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी एवं इस महामारी के विरुद्ध उनके लड़ने की मानसिकता को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करेगा। इसके अतिरिक्त यह भी संभावना है कि कई कर्मी लॉकडाउन के कारण इसी में स्पष्ट आ जाएगा सर, कई कर्मी लॉकडाउन के कारण कार्यालय न आ पा रहे हो अथवा कई कार्य दिवसों पर अनुपस्थित भी रहे हूँ। अतः वर्णित परिपेक्ष में अनुरोध है कि आपके विभाग के नियंत्रणाधीन संविदा या आउटसोर्सिंग अथवा अन्य माध्यमों से कार्यरत कर्मियों को लॉकडाउन की स्थिति में न तो कार्य से हटाया जाए और न ही उनके वेतन की कटौती की जाए। यदि कोई कर्मी लॉकडाउन के कारण कार्यालय में अनुपस्थित रहे हो, महोदय एक मिनट महोदय, वो जानकारी तो सदन को है उन, तो क्यों हटा दिया गया? 600 महोदय, 600 कर्मियों को क्यों हटा दिया गया? मंत्री गृह विभाग, रोजगार मिल नहीं रहा है, जो रोजगार कर रहे हैं उनको हटा दिया जा रहा है। महोदय महोदय, इसमें हटाने का कोई जिक्र उत्तर में नहीं है। है ये कि वस्तुस्थिति है कि बिहार अग्निशामक सेवा अंतर्गत केंद्रीय चयन परिषद बिहार पटना के विज्ञापन 1/2018 के विरुद्ध कुल 891 अग्नि चालकों की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई, जिसके क्रम में सर्वप्रथम 74 अग्नि चालकों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षण हेतु भेज दिया गया। शेष अग्नि चालकों की नियुक्ति के क्रम में आदर्श आचार संहिता चुनाव के कारण होने के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया स्थगित रखी गई। आदर्श आचार संहिता के समाप्त होने के पश्चात शेष अग्नि चालकों की नियुक्ति कार्रवाई की जा रही है। बिहार अग्निशामक सेवा अंतर्गत अग्नि चालकों की नियुक्ति हो जाने के उपरांत बिहार पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्राप्त पर्यटन चालकों को वापस कर दिया गया, इसलिए किसी को बाहर नहीं, बाहरी की प्रक्रिया है, अब शुरू हो जाएगी। महोदय, आप दूसरे जगह से ले रहे हैं, वैकेंसी कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी कार्यरत थे उनको जो हटा दिया गया उन लोग का क्या होगा, उनका परिवार कैसे चलेगा? महोदय वो तो कह रहे हैं माननीय मंत्री जी को, प्रक्रिया चल रही है, ये पर्यटन विभाग का था। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि उन 600 लोगों को कम से कम भेज लिया जाए। मंत्री ठीक है, आग्रह को मैंने कहा कि 74 की नियुक्ति हो गई है, बाकी की प्रक्रिया चुनाव के आचार संहिता कारण स्थगित कर ली गई, अब प्रक्रिया शुरू होगी, उनकी भी नियुक्ति होगी, जरूरत तो है 800 कुछ कर, कहां किसी को भगाया जा रहा। और जब ये सारे लोग हो जाएंगे तो जो पर्यटन विभाग के वहां भी जरूरत है उनकी वापस कर दिया गया, फिलहाल वहां से भी डिमांड था। श्री छोटे लाल राय,